मैं हेमराज रतन सिंह इस समूह लग्न के पावन अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए। बाबूजी के कहे शब्द मानो जैसे पूरे समाज में नियम ही बन जाते हैं। इतना सम्मान करते हैं लोग उनका पूरे समाज में, क्योंकि वो जो कहते हैं वो खुद भी उसका पालन करते हैं। मैं हेमराज रतन सिंह आज के इस सामूहिक विवाह के पावन अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे समाज के पिछड़े वर्ग को बराबरी का हक और खुशी देने का ये अवसर मैं आप सबको समर्पित करता हूं। इसलिए जय जयकार मेरी नहीं, आप सबकी होनी चाहिए। रीति रिवाज हमारे समाज की धरोहर है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। लेकिन कुछ रीतियां ऐसी होती है जिसके नाम पर हमने सिर्फ शोषण किया है, और उसमें से एक है दहेज। कितने मां बाप, कितनी बेटियां अपने सपनों का गला घोंटकर इस कुप्रथा का शिकार हुई है। कितने घर बसने से पहले उजड़ गए सिर्फ और सिर्फ इस दहेज की वजह से। सामूहिक विवाह हमारी बेटियों को सम्मान से जीने के लिए एक गर्व की बात है, और इस बात का हमें गर्व है, और हमें गर्व है इन नौजवानों पर जो आगे आकर इस समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब इस नव दंपतियों को आशीर्वाद देके अपनी जिम्मेदारी खत्म न करें, बल्कि शुरुआत करें एक नए इतिहास की, नए अभियान की, दहेज के खिलाफ। समाज के मोबी की बहू बनने के सारे गुण हैं आप में। आपको कोई कैसे मना कर सकता है? दूध में शक्कर घुल जाए वैसे घुल जाएंगे आप हमारे परिवार में, क्योंकि नंदिनी आप ना मेरी खुशी हैं, मेरा सुख है। और सुख और समृद्धि में ना फर्क होता है। समृद्धि में भले ही सुख ना भी हो, पर सुख से बड़ी समृद्धि कोई नहीं। कैसी लगी कहानी? अच्छी ना? तो बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैं बताता हूं। इस कहानी से बेटा हमें शिक्षा मिलती है कि जो सुखी है जरूरी नहीं है कि वो खुश हो, लेकिन जो इंसान हमेशा खुश रहता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए हमें हर समस्या का सामना मुस्कुराते हुए खुश रहकर करना चाहिए। कैसे? समूह विवाह का शुभारंभ किया जाए। ओम अग्ने अग्ने मंत्र देवाय स्वाहा, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ओम गजानन गणाधिपति सेवते कपिति शंभु फलचर। नमस्ते हेमराज भाई, मैं सुजान धर्म सिंह। नाम सुना है आपका सुजान भाई, कोई इतने कम समय में इतनी तरक्की करता है तो
उसकी सफलता के नगाड़े अपने आप बजने लगते हैं। ये तो बस लोगों ने ऐसे ही फैला रखा है। मैं तो बस 50 करोड़ के टर्नओवर वाली छोटी सी कंपनी का मालिक हूँ। ये बोलना आपका बड़प्पन है। एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ आपके सामने। हमारी इकलौती बेटी है हेमराज भाई, और आपका इकलौता बेटा। अगर हमारी बेटी को आपके घर में रहने का आश्रय मिल जाए तो उसके साथ हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। कल्याण मस्तु भाभा। सोच लीजिए, विधाता का दिया हुआ इतना सब कुछ है हमारे पास, हमारे बाद सारा हमारी बेटी का ही तो है। मेरा मतलब उसका और हमारे होने वाले दामाद के कुटुंब का। अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना, यही एक सपना है मेरा। पूरे शहर को न्योते जाएंगे, 56 भोग परोसे जाएंगे। सजावट और आतिशबाजी तो ऐसी होगी कि जैसे राजकोट में आज तक किसी ने देखी तक नहीं होगी। सोने हीरे जवाहरातों से लाद कर 125 करोड़ की गाड़ी में अपनी बेटी को विदा करूंगा। ऊंचा सुनते हो क्या? अभी अभी सभा में मैंने कहा, सुना, ये दहेज की लालच नहीं है तो और क्या है? हिम्मत कैसे हुई आपकी? मुझ पर, मेरे परिवार पर भरोसा कीजिए और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। अरे नहीं नहीं हेमराज भाई, देखिए आप तो बुरा मान गए। अभी अभी तो आपके कहने पे मैंने भी दहेज के खिलाफ शपथ ले ली है। मैं तो बस रिवाज निभाने की बात कर रहा था। और आपसी रीति के लिए कौन सा कानून लड़ता है? और आपने तो फिर कुछ मांगा ही नहीं। देखिए, मांगने से जो मिले वो होता है दहेज, और जो बिना मांगे मिले वो होती है भेंट। और सज्जन भेंट का निरादर नहीं करते। और फिर मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी मर्जी से, अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रहा हूं। बात अगर खुशी की है, रिवाज की है, भेंट और परंपरा की है तो ठीक है, बाकी दहेज और लेन देन के मैं सख्त विरुद्ध हूं। सोने से लदी 125 करोड़ की गाड़ी में बैठकर आने वाली आपकी लक्ष्मी का हमारे घर में स्वागत है। बस अब सिर्फ हस्त मिलाप हो जाए, हृदय मिलाप तो अपने आप ही हो जाएगा। नंदिनी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी आपको दुखी नहीं होने दूंगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.